हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। प्लम्स लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री कंटिन्यू करके रखे थे हम लोग, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैदिक एज के बारे में काफी डिटेल डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले अर्ली वैदिक एज के बारे में बात किया और फिर बाद में हम लोगों ने लेटर वैदिक एज और उससे रिलेटेड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और वैदिक लिटरेचर्स के बारे में काफी डिटेल्ड डिस्कशन किया। आज हम लोग देखने वाले हैं मां जनपदास के बारे में और देखेंगे कि राइज ऑफ मगध किस तरीके से हो रहा है। हालांकि महाजनपद काल थोड़ा सा मतलब लॉन्ग है, तो देखते हैं अगर राइज ऑफ मगध स्टार्ट हुआ तो हुआ, अदरवाइज वी विल स्टार्ट इट ऑन नेक्स्ट क्लास। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं महाजनपद के बारे में, काफी कुछ देखना है, काफी कुछ लड़ाइयां स्टार्ट हो जाएंगी और इस तरीके से हमारी हिस्ट्री, जो कि बेसिकली हिस्ट्री का मतलब ही दिमाग में बन जाता है कि एक लड़ाई, एक वॉर होने वाला है, तो आज से ही वो सारी लड़ाइयां हम लोग शुरू कर देंगे। वी आर प्रेजेंटली स्किपिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म फॉर टाइम बीइंग। कुछ समय के लिए केवल हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म छोड़ रहे हैं, काफी अदरवाइज बहुत कह लीजिए कि जो होता है वो बोरिंग सा हो जाएगा, इस वजह से मैंने उसको छोड़ करके, ड्रॉप करके अभी फिलहाल हिस्ट्री के बाकी सेक्शंस को देखते हैं। थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई देखेंगे, एक आइडिया लग जाएगा, तो फिर उसके आगे जो होती है बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णव, शैव, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करना है, वो सब एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल के बारे में। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक, बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। लास्ट क्लास में कुछ डाउट आया था, मैं देख रहा था लोगों के, तो उसमें डाउट में एक ही आया था कि रामायण एंड महाभारत के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हो जाए। तो चलिए रामायण और महाभारत के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ है। देखिए रामायण और महाभारत में सबसे पहले लिखी तो वैसे गई थी महाभारत, दिस वॉज द रिटन फर्स्टली, सबसे पहले यही लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई है वेद व्यास के द्वारा, वेद व्यास, जिसको कि हम लोग इनका नाम एक और है, क्या नाम है, महर्षि द्वैपायन। तो ये द्वैपायन थे और इन्होंने ही जो वेद हैं, वेद जो लिखे गए हैं, कंपाइल किए गए हैं, इन्हीं के द्वारा ही लिखे गए हैं। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वही वेद व्यास है, महर्षि द्वैपायन है। रामायण किसके द्वारा लिखा गया है? रामायण लिखा गया है महर्षि, दिस इज महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, वाल्मीकि, ठीक है। तो दोनों लोगों के बारे में पता चल गया। लिखी कौन सी गई है पहले? पहले महाभारत लिखी गई है, दूसरे नंबर पे रामायण लिखी गई है। लिखी कब गई है? ये लिखी गई है 400 BC के नियर अबाउट में, तो ये नियर अबाउट 400 BC हो जाता है, और ये भी उससे पहले लिखी गई है, तो ऑब्वियसली 400 BC से भी पहले की बात हो जाएगी। वन बाय वन करके दोनों को अगर डिस्कस किया जाए तो रामायण में बेसिकली 7 चैप्टर्स हैं, दिस इज 7 चैप्टर्स, जिसको कि हम लोग अलग अलग कांड बोलते हैं। जैसे एक हो जाता है जो बाल्य कांड है, जहां पर बचपन के बारे में दिखाया गया है। इसके बाद अयोध्या कांड है। कभी भी आप लोगों के घर में जैसे रामायण का पाठ बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आपने देखा होगा तो आइडिया लग जाएगा कि ये अयोध्या कांड हो जाता है। फिर उसके बाद अयोध्या कांड के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और अरण्य कांड हो जाता है, जहां पर भगवान राम जाते हैं, भगवान नहीं मतलब राजा राम जाते हैं, और फिर जो है वहां पे अरण्य में, वहां पर जाकर के, जंगल में जाकर के कुछ राक्षसों को मार देते हैं। फिर उसके बाद से अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड होती है, और इस तरह से ये पहुंच जाते हैं, इनको वनवास हो चुकी होती है और ये जाकर के बाली से मिल रहे होते हैं। फिर उसके बाद से सुंदर कांड आती है, और सुंदर कांड में ये किनसे आके मिलते हैं? हनुमान जी से आके मिलते हैं। देन लंका कांड होती है, लंका कांड में हनुमान जी जाते हैं, तांडव मचा रहे होते हैं, और फिर अल्टीमेटली युद्ध कांड हो जाता है इसी में, और इसके थ्रू, युद्ध कांड के थ्रू युद्ध हो जाता है, किसके बीच में, वॉर हो जाता है लॉर्ड राम एंड जो रावण रहता है उसके बीच में, और अल्टीमेटली फिर उत्तर कांड आ जाती है, जहां पर लव कुश के बारे में लिखा गया है। तो ये बेसिकली 7 कांड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 कांड है जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, अपने कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो रामायण लिखी गई है एक साथ नहीं लिखी गई है, वो 3 पार्ट में लिखी गई है, 3 पार्ट में। सबसे पहले लिखी गई थी तो उसमें 6000 वर्सेस थे, 6000 वर्सेस थे। सेकेंड टाइम में जब लिखी गई तो ये 12000 वर्सेस हो गए, और अल्टीमेटली 24000 वर्सेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से 24000 पद इसमें लिखा गया है। सिमिलरली इसके अगर बात करें तो रामायण तो वैसे लिखी गई है, जो उसके अलावा अगर इसका ट्रांसलेशन के बारे में बात करें, तो ट्रांसलेशन के बारे में अगर देखी जाए तो यहां पर
तमिल में जो ट्रांसलेशन की गई है, एक तो तमिल में की गई है, दूसरी की गई है बांग्ला में, जो तो तमिल में जो ट्रांसलेशन की गई है वो की गई है कंबन के द्वारा, KAMBAN कंबन के द्वारा, और जो बांग्ला में की गई है वो है कृतिवास, कृतिवास। याद कैसे रखा जाए, देखिए बचपन में रामायण आती थी और जनरली ठंड का मौसम होता था तो बचपन में आप लोग क्या होते थे, कंबल ओढ़ करके तब उसके बाद से रामायण देख रहे होते, तो कंबल से आप याद सकते हैं, कर सकते हैं कंबन। और कंबन ने कृति का मतलब होता है रचना करना, तो इन्होंने कृति मतलब की कृति हो गई, मतलब रचना हो गई। दिस इज हाउ यू कैन मेमोराइज दीज ट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद कर सकते हैं, ये हो गया कंबन और ये हो गई कृतिवास, ठीक है। अच्छा अब आते हैं जरा महाभारत के बारे में। अब महाभारत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्व, और यहाँ पे टोटल के टोटल 18 चैप्टर्स हैं जिसको हम लोग 18 पर्व बोलते हैं। इसमें से जो 6th चैप्टर है उसका पार्ट बनता है श्रीमद् भागवत गीता। तो ये जो है भागवत गीता यहां पर लिखी गई है। आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड एवरी वन टू रीड दिस 6th चैप्टर भागवत गीता। इनफैक्ट ये आपको, जैसे बहुत लोग मेडिटेशन करते होंगे, काफी लोग योग करते होंगे, बट मैं कहूंगा कि एक बार आप लोग को अगर समय मिले, इनफैक्ट समय निकाल करके भागवत गीता एक बार जरूर सुनिएगा, और सुनिएगा इनफैक्ट पढ़िएगा, तो काफी आपको नॉलेज हो रही होगी। इनफैक्ट यू विल गेट सम ऑफ योर क्वेश्चंस का आंसर आपको इतनी आसानी से मिल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए खैर, तो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समय मिले तो आप देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर इसके रचना के बारे में, इसकी जो डेवलपमेंट हुई है जब लिखी गई थी उसके, उसमें भी 3 पार्ट में लिखी गई है। सबसे पहले पार्ट में 8800 वर्सेस लिखे गए थे, और इस 8800 वर्सेस को बोलते हैं जय संहिता, दिस इज जय संहिता, ठीक है। सेकेंड पार्ट में जब लिखा गया तो 24,000 वर्सेस हो गए, और इसको बोलते हैं भारत। एंड फिर अल्टीमेटली 1,00,000 वर्सेस हो गए, इसको बोला जाता है महाभारत। इनफैक्ट 1,00,000 जो ये वर्सेस हैं, इसको शत शत सहस्त्र पद भी बोलते हैं, शत सहस्त्र पद। शत का मतलब होता है, जैसे संस्कृत शत का मतलब होता है 100, सहस्त्र का मतलब होता है 1,000, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये 1,00,000 बन जाता है। क्लियर हो गया, तो दिस इज हाउ द थिंग इज, यहां पर ये चीजें बन जाती हैं। अच्छा, इसके बाद इसके भी ट्रांसलेशंस हुए हैं, इसके ट्रांसलेशन के बारे में बात कर लिया जाए, क्या क्या ट्रांसलेशन है। तो देखिए साउथ में, मतलब साउथ का मतलब कि तमिल में जो रचना हुई है, जो ट्रांसलेशन हुआ है वो किया है पेरुन देव नार के द्वारा, पेरुन देव नार के द्वारा, ठीक है, तमिल में। बांग्ला में जो लिखी गई है, बांग्ला में लिखी गई है किसके द्वारा, काशी राम बसु, दिस इज काशी राम बसु। एंड लास्टली जो भागवत गीता है, भागवत है, और इसको भी बांग्ला में इसका ट्रांसलेशन किया गया, और वो किया गया मालधर बसु के द्वारा, मालधर बसु, ठीक है। अगेन कैसे याद रखा जाए, तो देखिए आप लोगों को पता है तमिलनाडु में एक रिवर बहती है जिसका नाम है पेन्नार, ठीक है, पेन्नार, पेन्नार से आप याद कर सकते हैं, पेन्नार से पेन्नार पेरुन देवनार, ठीक है, तो पेरुन देवनार, पेन्नार से आप याद कर सकते हैं कि दिस इज पेरुन देवनार, ठीक है। और काशीराम ये तो याद ही हो जाएगा, मालधर बसु ये भी याद हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा आसान है, बाकी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर साउथ इंडिया के नेम्स जो होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, बट आपको एक आइडिया लग गया कि पेन्नार रिवर, एंड दिस इज हाउ यू कैन मेमोराइज दिस थिंग, दिस नेम पेरुन देवनार। क्लियर हो गया, तो ये थी थोड़ी सी रामायण और महाभारत के बारे में जो आपको बेसिक डिटेल्स पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जरा फटाफट हम लोग देख लेते हैं महाजनपद के बारे में। महाजनपद के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले देख लिया जाएगा कि महाजनपद आखिर में स्टार्ट होता कैसे है। तो देखिए महाजनपद से पहले अगर हम लोग आए तो हम लोगों को पता है कि जब भी वैदिक सिस्टम हुआ करता था वहां पर हमारा जो सोसाइटी, मतलब कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके का था। पहले कुल होती थी, कुल का मतलब यहाँ पर फैमिली हो जाती थी, और इसी से हम लोगों ने गोत्र सिस्टम वगैरह लेटर वैदिक एज में निकाल लिया था। इसके बाद इस कुल से आगे बढ़ता है और नेक्स्ट बनती है ग्राम, ग्राम का जो भी ग्रामपति हो जाता है इसका हेड, इसके ऊपर बनती थी विश, विश का होता था विशपति, एंड इसके ऊपर में बनती थी गण, गण या फिर जन जो भी आप बोलना चाहें, और फिर अल्टीमेटली बन गई थी, इसी को मिलाकर के बहुत सारे ट्राइबल्स या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग हिंदी में कबीले,
इन कबीले या फिर इन ट्राइबल्स को मिला करके अल्टीमेटली यहां पर बनाया गया था जनपद, किस काल में? यहां तक तो ठीक है, ये तो हो गया अर्ली वैदिक एज, यहां तक तो जो है अर्ली वैदिक एज में हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ था, जनपद तक बना दिया गया था लेटर वैदिक एज में, और उसके बाद से कई सारे जनपदों को मिला करके बना दिया गया महाजनपद, और ये महाजनपद लेटर वैदिक काल के, लेटर वैदिक पीरियड के बाद की कहानी है। इनफैक्ट इसके बाद मौर्यन एज वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे एज आ जाएंगे, शुंग डायनेस्टी, शुंग तो नहीं लेकिन कई सारे और भी डायनेस्टीज जैसे शिशुनाग हो गई या फिर और भी बहुत सारी डायनेस्टीज, हर्यक डायनेस्टी वगैरह होगी, अभी हम लोग उसके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन एक महाजनपद जो होती है वो एक बड़ी एंटिटी के रूप में निकल करके आ गई थी इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो महाजनपद होंगे ऑब्वियसली वो कई सारे जनपदों से मिलके बने होंगे, तो कई सारे जनपद अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह पे डिवाइडेड होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं मैं, तो एक महाजनपद था जिसका नाम था वज्जी, इस वज्जी में टोटल के टोटल 8 जनपद हुआ करते थे, और उस 8 जनपद में कुछ का नाम अगर मैं बताऊं तो एक जनपद था जिसको लिच्छवी बोलते हैं, लिच्छवी, और इन्हीं लिच्छवी की जो प्रिंसेस थी उन्हीं उन्हीं का जो मतलब उन्हीं का सन था, मतलब उनके जो बेटे थे वो महावीर स्वामी थे जिन्होंने जैन धर्म के तीर्थंकर बनते हैं। तो ये लिच्छवी एक कह लीजिए कि जो है टेरिटरी या फिर जनपद हुआ करती थी। इसके अलावा ज्ञातृत्व भी थे और भी बहुत सारे यहाँ पर चीजें निकल करके सामने आएंगी। तो एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली आपको कि महाजनपद एक्चुअली है क्या, वो जनपद से निकल करके आगे बढ़ती है। क्लियर हो गया? ओके, अब आगे जरा देखा जाए तो सेकंड सिविलाइजेशन या सेकंड अर्बनाइजेशन बोला जाता है महाजनपद को, क्योंकि इससे पहले जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है वो कौन सी है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद से रूरल सिविलाइजेशन आ गई थी इन द ऋग वैदिक या फिर बोल दीजिए कि वैदिक सिस्टम जो था या वैदिक कल्चर जो थी वो एक्चुअली रूरल सिविलाइजेशन थी। इसके बाद जब ये महाजनपद आता है तो ये सेकेंड अर्बनाइजेशन आ जाती है। इन द लेटर वैदिक पीरियड द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी कबीले हैं, दे चेंज इट्स आइडेंटिटी एंड ग्रेजुअली शिफ्टेड टू टेरिटोरियल आइडेंटिटी, एंड द रीजन द एरियाज ऑफ सेटलमेंट वर नॉट रिगार्डेड एज जनपद और स्टेट्स। इनफैक्ट राष्ट्र शब्द पहली बार कब आया था, इसी में आया था। इन ट्रांजिशन फ्रॉम ट्राइब टू मोनार्की दे लॉस्ट द एसेंशियल डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ द ट्राइब बट रिटेन्ड द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट थ्रू एन असेंबली रिप्रेजेंटिंग द ट्राइब्स। दीज स्टेट्स कंसिस्टेड ऑफ ईदर अ सिंगल ट्राइब सच एज शाक्य, कोली, मल्ल एटसेट्रा। ईच जनपद ट्राई टू डोमिनेट एंड सब्जुगेट अदर जनपदास टू बिकम महाजनपद। तो इस तरीके से बहुत सारे चीजों से मिलकर बन जाती है। अच्छा, यहां पर लास्टली जो होती है बोला जाता है कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर का नाम पे अंगुतर निकाय, दिस इज अंगुतर निकाय एंड महावस्तु, और इसी तरीके से जैन लिटरेचर होती है जिसको भगवती सूत्र बोलते हैं, यहां पर लिखा नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, दिस इज भगवती सूत्र। इन्होंने बताया कि टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे, और इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं दिस इज द प्रूफ ऑफ द महाजनपद। इसके अलावा थोड़ी और भी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जैसे हम लोगों ने बात किया था लेटर वैदिक एज के दौरान में वेदांग के बारे में, और ये जो वेदांग थे टोटल के टोटल 6 थे, ठीक है नहीं, जिसमें हम लोगों ने बात किया था शिक्षा मतलब कि एजुकेशन हो गई, ग्रामर हो गया, निरुक्त हो गया, ज्योतिष हो गया, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जैसे कल्प वगैरह के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था इन आवर अर्लियर सेक्शन। इस वेदांग में जो कल्प होती थी उस कल्प के माध्यम से हमें कुछ सूत्र मिलते हैं, जैसे एक हम लोगों ने बात किया था जैसे सूत्र लिटरेचर या सूत्र साहित्य, जैसे सूत्र लिटरेचर यहां पर वैदिक एज के बारे में बताया गया है, और इस वैदिक एज में बताया गया कि हाउ दिस द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड एंड अल्टीमेटली लीड टू अ महाजनपद सोसाइटी, किस तरीके से बताया गया इसमें, इस चीज का हमें एक एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। सिमिलरली यहां पर एक और सूत्र साहित्य में ही, सूत्र लिटरेचर में ही हमें वर्ल्ड सिस्टम का भी आइडिया लग जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी जो होता है हमें, हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि महाजनपद काल या महाजनपद पीरियड कैसे आगे आया है।
तो हम लोगों ने एक महाजनपद की एक कह लीजिए कि बैकग्राउंड देख लिया, अब हम लोग चला चलते हैं और महाजनपद देख लेते हैं। तो ये बेसिकली वो 16 महाजनपद हैं। कौन कौन से हैं? एक है कंबोज, देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के इलाके में आ गई है। दूसरी है जो गांधार है, गांधार इसकी राजधानी यहां पर थी तक्षशिला, और ये जो तक्षशिला थी बेसिकली यहां पर एक यूनिवर्सिटी थी विच वॉज वर्ल्ड फेमस यहां पर यूनिवर्सिटी थी। और मतलब जितने भी कह लीजिए कि अच्छे अच्छे लोग थे, इनफैक्ट चाणक्य हो गए या एक और बाकी और भी कुछ लोग हैं उनके बारे में बताऊंगा मैं आगे, वो लोग जो है यहां से पढ़े हुए थे, तो काफी ज्यादा ये कह लीजिए इंटेलिजेंट पर्सन हुआ करते थे उस समय के। इसके अलावा एक और महाजनपद तीसरा आती है जो कुरु होती है, कुरु के अलावा पांचाल आती है, कौशल होती है, मल्ल होती है, वज्जी होती है, अंग होती है, मगध होती है, काशी होती है, देन सूरसेन होती है, मत्स्य होती है, अवंती होती है, और उसके बाद से ये छेती होती है, फिर उसके बाद से ये आपकी वत्स होती है, एंड अस्का या फिर अश्मक इसको बोलते हैं, अश्मक हो जाती है। तो ये बेसिकली 16 महाजनपद हैं। अगर इसके थोड़ा बारे में भी अगर बात किया जाए कि इसकी क्या क्या जितने भी कह लीजिए राजधानी और ऑल दैट जितनी भी चीजें हैं, तो सबसे पहले एक काम करते हैं अपने इस बोरिंग से मैप में आ जाते हैं और इस बोरिंग से मैप में हम लोग यहाँ पे लोकेट भी करेंगे और साथ ही साथ इसकी कैपिटल्स के बारे में भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंबोज से। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो चीज है, जो मतलब कह लीजिए कि एरिया पड़ता था, वो कंबोज था। तो दिस वॉज के KAMBOZ कंबोज हो जाती थी। इसकी राजधानी हाटक थी। दिस वॉज हाटक। इनफैक्ट ये राजौरी का रीजियन है, राजौरी आज की डेट में जो जम्मू कश्मीर का एरिया है ना, वहां पर भी पड़ जाती थी इसकी रीजियन। दूसरी होती थी गांधार, जो कि प्योरली इन पाकिस्तान है। दिस इज गांधार। ये गांधार की राजधानी जो कैपिटल होती थी वो तक्षशिला थी। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान में रखना है। आपसे एक मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, ऑल दो अभी जब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद से आती है यहां पर कुरु। ये जो कुरु थी बेसिकली वो कह लीजिए पंजाब के पास का इलाका था, हरियाणा पंजाब के पास का इलाका। इस कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। दिस वॉज इंद्रप्रस्थ। और ये जो इंद्रप्रस्थ है बेसिकली आज की डेट में मेरठ का इलाका या फिर दिल्ली का इलाका और कुछ पंजाब के इलाके को भी ये लिए हुए हैं। फिर उसके बाद से यहां पर पांचाल होती थी। दिस वॉज पांचाल। और ये वही पांचाल है जहां से द्रौपदी जी आई हुई है। तो पांचाल की जो राजधानी थी वो एक्चुअली दो राजधानी थी, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। एक राजधानी थी अहिछन और दूसरी राजधानी थी कांपिल्य। ठीक है, तो इस तरीके से दो यहां पर कैपिटल हो जाती थी। इसके अलावा आगे बात किया जाए, नेक्स्ट अगर देखते हैं तो फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर होती थी अंग। दिस वॉज ANGA अंग। अंग का मतलब आज की डेट का जो भागलपुर का इलाका है, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, वो यही मतलब अंग का इलाका हुआ करता था। यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, आर्ट एंड कल्चर को लेकर के काफी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस था। ये इसकी जो राजधानी थी, इसकी जो कैपिटल थी वो चंपा थी। दिस वॉज चंपा। और ये पड़ा था यहां पर, एक रिवर बहता था चंपा, उसी के नाम पर पड़ा था चंपा। और ये बेसिकली असम के इलाके में था, छोटा सा इलाका था, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। यहां पर एक राजा था ब्रह्मदत्त नाम था, वो यहां पर था बट नॉट एज सच इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मगध का जो इलाका था वो इसे फटाफट जो होता है जीत लेता है और इस तरीके से इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद से एक इंपॉर्टेंट हो जाता है मगध का इलाका। इसकी जो राजधानी रहती है वो रहती है राजगीर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये आगे जाकर के बहुत बड़ा एक डायनेस्टी यहां से निकल करके आएगा, बहुत बड़ा ये महाजनपद निकल करके आएगा। इसके बाद से नेक्स्ट होती है काशी। काशी का मतलब बनारस। अब हम लोग आ जाते हैं जरा अपने इस उत्तर प्रदेश में, तो यहां पर काशी होती है। दिस इज काशी। और यहां पर इसकी राजधानी होती है वाराणसी। ठीक है, अच्छा, इस काशी के बाद नेक्स्ट आती है कौशल, और यहां पर होती है कौशल। दिस इज कौशल। मैं बना रहा हूं, आप लोग भी अपने साथ बनाते रहिएगा। इसकी राजधानी रहती है श्रावस्ती। द कैपिटल इज श्रावस्ती। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं से कपिल वस्तु आता था। कपिल वस्तु, एंड कपिल वस्तु क्या है, यहां पर हमारे भगवान बुद्ध जन्मे थे। तो कपिल वस्तु ये बेसिकली शाक्य जनपद हुआ करता था
जो कि बेसिकली कह लीजिए कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट हुआ करता था, ये एक अलग से रहती थी, बट ये जनपद जो है महाजनपद कौशल के अंडर में आता था। क्लियर। इसके बाद थी वज्जी, वज्जी जो थी वो यहां थी वज्जी, और वज्जी की जो कैपिटल थी वो थी वैशाली। वैशाली इस वज्जी में अगेन यहां पर टोटल के टोटल 8 छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे, उसमें से एक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है लिच्छवी, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से महावीर स्वामी निकल करके आए, महावीर स्वामी, और ये बेसिकली जैन जैन धर्म के थे। ठीक है, सिमिलरली शाक्य ये हो गया जो बुद्धिज्म से रिलेटेड था। क्लियर हो गया क्या क्या है। तो ये थोड़ा सा हम लोग रिलेट कर रहे हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बेसिकली यहां पर काशी मतलब कि वज्जी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। वज्जी के बाद नेक्स्ट आती है मल्ल, और ये है बेसिकली मल्ल का इलाका। दिस इज मल्ल, MALLAY, मल्ल। ये मल्ल बेसिकली जो था, कहां बनाऊं, यहां बना देते हैं। ये मल्ल जो बेसिकली था वो पावा प्लस कुशी नारा दो जगहों से मिलकर बना था। इन दोनों का नाम आज की डेट में चेंज हो गया है, दोनों यूपी के हैं और दोनों के दोनों हमारे गोरखपुर के पास ही पड़ते हैं। पावा का मतलब आज की डेट में इसका नाम चेंज होकर के पड़ रौना पड़ गया है, जैसे इस पड़ रौना, और जो कुशी नारा है इसका नाम बदल करके कुशी नगर पड़ गया है। इनफैक्ट कुशी नारा के बारे में आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जैसे जो हमारे राजा राम थे, राजा राम के दो बेटे थे, दो सन थे, एक का नाम था लव और दूसरे का नाम था कुश। तो जो कुश थे इन्हीं को दे दिया गया था कुशीनगर का इलाका कि जाइए आप वहां पर अपना जो भी आपको राजवाज करना है, जो भी आप वहां करके वहां के राजा मतलब आप रहेंगे, तो इन्हीं के नाम पे पड़ गया था कुशीनगर या फिर कुशीनारा। ठीक है, और लक्ष्मण के नाम पे तो खैर आगे पढ़ ही गया था। दूसरा श्रावस्ती का जो इलाका था, ये जो श्रावस्ती है कहां गया, कौशल वाला जो श्रावस्ती है ये बेसिकली लव को दिया गया था कि यहां पर जाकर के आप राजपाट अपना देखिए। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉर्ड राम, क्योंकि उत्तरकांड के बाद के आगे की कहानी बताई नहीं गई है सच, और जनरली सीरियल्स जो भी बनाए गए उसमें भी नहीं दिखाया गया, तो एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया कि जो लव है वो कहां के बनाए गए और कुश है वो कहां के बनाए गए। तो लव को एक तरीके से कह सकते हैं नदन पार्ट दे दिया गया था और कुश को एक तरीके से सदन पार्ट दे दिया गया था। ठीक है, ओके, तो आपको ये आइडिया लग गया ना। कुशीनगर में क्या है, महावीर जो हमारे गौतम बुद्ध हैं उनकी निर्वाण स्थली है, मतलब यहाँ पर वो निर्वाण, यहाँ पर जो होती है एक कह लीजिए विहार बनाया गया और वहां पर जो है इनका अस्थि रखा गया है। टोटल मार करके इस तरीके के 8 विहार हैं जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पावा में महावीर स्वामी का निर्वाण है, तो यहां पर पावा में महावीर स्वामी और कुशीनगर में गौतम बुद्ध। क्लियर हो गया दोनों से रिलेटेड। चलिए इसके बाद आती है छेदी। छेदी जो थी वो बेसिकली इस इलाके के पास का था, दिस वॉज छेदी। ठीक है, और यहां पर इसकी जो कैपिटल थी उस कैपिटल का नाम था शक्तिमती, दिस इज शक्तिमती, या इसी को बोलते हैं सोथीवती, दोनों ही नाम था इसका सोथीवती, शक्तिमती और सोथीवती। अच्छा, ये काफी याद आ, यहाँ का जो भी रूलर होगा वो बड़ा कह लीजिए कि जो होता है वो एकदम अलग था, तो थोड़ा क्रूअल टाइप का था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्या चीज है और कैसे कैसे क्या क्या किया गया। तो ये थी, लेकिन हाँ ये दिमागदार भी था, दिमागदार मतलब कि शादी वादी करके ये रिलेशन मेंटेन कर लेता था। दो ही लोग शादी करके मेंटेन किए थे, एक तो छेदी और दूसरा हमारे मगध में आते थे एक बिंबिसार, उन्होंने भी किया था, तो इनके बारे में भी डिटेल्ड देखेंगे तो एक इंटरेस्ट भी आएगा, आइडिया भी लगेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट होता है वत्स। वत्स जो है वो इस इलाके में था, यहां पर, दिस इज वत्स, VATSA, वत्स। वत्स में इसकी जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी, दिस इज कौशाम्बी। ठीक है, अगेन उत्तर प्रदेश में आता है, तो यहां का ये हो गया। इसके बाद कुरु हो जाती है, कुरु के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इंद्रप्रस्थ, पांचाल हो जाती है, इच्छन हम लोगों ने देख लिया। देन आती है मत्स्य। मत्स्य जो है वो जयपुर का इलाका यहां पर आती है, दिस इज मत्स्य, और इसकी राजधानी जैसे आज की डेट में जो जयपुर का इलाका है वो मत्स्य का इलाका है। इसकी जो कैपिटल थी वो थी विराट नगर, दिस इज विराट नगर। ठीक है, फिर उसके बाद से सूरसेन आ जाता था जो कि वेस्टर्न यूपी का इलाका था, दिस इज सूर, SUR सेन, सूरसेन। इसकी जो राजधानी थी, इसकी जो कैपिटल थी वो थी मथुरा, और मथुरा के ही कृष्ण जी भी थे, लेकिन यहां का राजा शिशुपाल था, उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्या चीज है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाती है अश्मक। अश्मक या अशक भी इसको बोलते हैं। ये एकमात्र साउथ इंडिया की टेरिटरी, साउथ इंडिया का महाजनपद था
एकमात्र था। उससे पहले यहां पर जो साउथ में थे वो पूरे के पूरे ट्राइबल्स ही थे। ट्राइबल्स का मतलब यहां पर केवल और केवल कबीले ही हुआ करते थे इस समय तक। हालांकि बाद में जा करके चोल, चेर, पांडे ये सब भी राइज करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए पूरा का पूरा कबीला है। जो अश्मक है इसकी राजधानी थी पोटली, पी ओ टी एल आई, पोटली राजधानी थी, और ये गोदावरी रिवर के पास में था। गोदावरी रिवर के ये पास में था, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग लिखते रहिएगा। नेक्स्ट है अवंती। अवंती जो है वो मध्य प्रदेश के पास उज्जैन में थी, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि दिस इज अवंती, दिस इज अवंती, और इसकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी। उज्जैनी उस समय बोलते थे, हालांकि आज नाम चेंज होकर के उज्जैन हो गया है। सिमिलरली यहां पर हम लोगों ने गांधार के बारे में बात ही कर लिया, तक्षशिला एंड कंबोज के बारे में बात कर लिया, हाटक हो गई थी इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन जरूर देखा गया हम लोगों ने, राजधानी पता चल गई, थोड़ी सी इसके बारे में पता चल गया। अब जरा एक एक करके जरा डिस्कशन शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अच्छा पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले कंबोज है, कंबोज की राजधानी हटक हो गई। गांधार है, गांधार की राजधानी हो गई तक्षशिला। सिमिलरली मत्स्य हो गई, मत्स्य की राजधानी विराटनगर हो गई। फिर उसके बाद से कुरु हो गया, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो गया। फिर उसके बाद से सूरसेन हो गया, इसकी राजधानी मथुरा हो गई। फिर वत्स मतलब वत्स हो गया, वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो गई। सिमिलरली छेदी हो गई, छेदी की राजधानी कौन हो गई, शक्तिमती या फिर सोथीवती हो गई। सिमिलरली यहां पर अवंती है, अवंती की राजधानी उज्जैनी हो गई। फिर उसके बाद से अश्मक है, अश्मक की राजधानी पोटली हो गई। फिर उसके बाद से मगध है, मगध की राजधानी राजगीर हो गई। फिर उसके बाद से यहां पर हमारा मल्ल है, और इसकी राजधानी पावा कुशीनगर हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद से यहां पर काशी है, काशी की राजधानी बनारस हो गई। देन कौशल है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो गई। फिर उसके बाद से पांचाल है, पांचाल की राजधानी अहिछन और कांपिल हो गई। फिर उसके बाद से यहां पर वज्जी है, वज्जी की राजधानी आपकी वैशाली हो गई। फिर उसके बाद से अंग है, अंग की राजधानी हो जाती है क्या, अंग की राजधानी हो जाती है चंपा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 16 महाजनपद उसके राजधानी उसके कैपिटल्स के बारे में देखा। फटाफट आगे बढ़ते हैं, और आगे जरा हम लोग अब देखेंगे वन बाय वन करके एक एक राज्य के बारे में। थोड़ा सा डिटेल्ड हम लोग जरूर पढ़ेंगे इसीलिए ताकि आपको एक आइडिया भी लगा रहा है, प्लस दूसरा कि आर्ट एंड कल्चर में जब तक आप इस डिटेल्ड वर्जन को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके लिए हमेशा हिस्ट्री जो है वो एक सरदर्द जरूर बना रहेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर एंड फॉर यू टू नो द डायनेस्टीज विच इज देयर इन द इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जरा काशी के बारे में। काशी, अगर आप काशी को देखेंगे यहां पर तो आपको दिखेगा कि काशी के पास में, इसको एक काम करते हैं कलर को जरा चेंज करते हैं ताकि यहां पर लोकेट करना आसान हो जाए। काशी के पास में देखेंगे तो एक साइड में आपको कौशल दिखेगा, बगल में आपको वज्र दिखेगा, फिर आपको मल्ल दिखेगा, फिर आपको वत्स दिखेगा, और फिर आपको मगध दिखेगा। तो बेसिकली यहां पर कुछ इलाके हैं, लेकिन उस समय काशी और कौशल ये दोनों काफी स्ट्रांग थे। ऑब्वियसली जब स्ट्रांग रहेगा तो इन दोनों के बीच में हमेशा, यहां पर अगर मान लेते हैं कि दिस इज सपोज काशी, और सपोज यहां पर अगर मान लेते हैं कि कौशल है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा। एंड दिस कंपटीशन इज बेसिकली व्हाट, दिस कंपटीशन इज पॉलिटिकल कंपटीशन। तो यहां पर इन दोनों के बीच में, काशी और कौशल के बीच में, एक कंपटीशन देखने को मिलता था। कंपटीशन का मतलब एक दूसरे को जीतने के लिए लगे रहते थे ये लोग। जो काशी था इसका जो किंग था उसका नाम था राजा ब्रह्मदत्त, दिस इज राजा ब्रह्मदत्त, डी यू डबल टी ए, ब्रह्मदत्त, ठीक है। कौशल का जो राजा था उसका नाम था राजा दीक्षित, तो ये बेसिकली दीक्षित साहब थे। इन दोनों के बीच में वॉर होती है और अल्टीमेटली जो है ब्रह्मदत्त जो है वो जीत जाता है। तो ये जीत जाता है, जीतने के बाद क्या होता है, अल्टीमेटली ऑब्वियसली दोनों टेरिटरी मिलकर के एक हो जाएंगी, और ये टेरिटरी मिलकर के हो जाती है काशी। तो एक तरीके से काशी का एरिया जो है वो बढ़ गया, तो ये ध्यान रखिएगा काशी का इलाका बढ़ गया है, कौशल और काशी दोनों मिलकर के एक हो गए हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे दो स्ट्रांग टेरिटरीज अब एक हो गई हैं, और इस तरीके से ये पूरा इलाका अब ये टोटल मार करके काशी हो गया है। समझ में आ गया क्या चीज है, लोकेट करेंगे तभी आपको आइडिया लगता रहेगा। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि ये जो इलाका है वो बन गया है काशी, और उसके आसपास में यहाँ पर जैसे अंग है, यहां पर आपकी वज्जी है, यहां पर मल्ल है, फिर वत्स है, एंड ऑल दैट आप लोग चीजें देख रहे होंगे। जीतने के बाद क्या होता है कि भाई साहब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम एक यहां पर निकल के आ जाती है कि इस कौशल, अब काशी है तो काशी के अंदर काशी भी है और इसके अंदर में कौशल भी है, कौशल के अंदर में एक और व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है कंस। ये कंस भाई साहब बहुत ज्यादा जो है कह लीजिए कि
थोड़े से स्वाभिमानी टाइप के रहते हैं और ये कहता है कि नो आई वांट माय टेरिटरी बैक। तो ये क्या करता है कंस, ये वापस से राजा ब्रह्मदत्त के साथ में वॉर हो जाती है और अल्टीमेटली कंस जो है वो फिर से पूरी टेरिटरी जीत लेता है। और टेरिटरी जीतने के बाद अब ये नाम बदल करके रख देता है कौशल, लेकिन इस कौशल में अगेन काशी भी है और कौशल भी है, तो नाम में कोई चेंज नहीं है, बस कौशल की जगह मतलब काशी की जगह आप कौशल हो गया। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेरिटरी, उस समय की सबसे स्ट्रॉन्ग टेरिटरी थी। और धीरे धीरे आगे जाकर के यहां पर मगध जो है ये भी राइज कर गया। ऑब्वियसली जब मगध राइज करेगा तो इनके बीच में फिर पॉलिटिकल राइवलरी हो जाएगी, तो दोनों आपस में फिर वॉर करना शुरू कर देंगे और यही हमें आगे देखने को भी मिला। अब यहां पर क्या होता है, एक सेकेंड इसको रेस करते हैं जरा। ओके, यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि ये टेरिटरी मिलकर के एक हो चुकी है एंड दिस टेरिटरी इज व्हाट, दिस टेरिटरी इज कौशल, ये टेरिटरी कौशल हो गई है। तो कौशल के बारे में अब जरा डिस्कस कर लेते हैं। कौशल राजधानी क्या है इसकी, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती, ठीक है। अच्छा, इसमें ही मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर शाक्य शाक्य डायनेस्टी या कह लीजिए शाक्य जन के लोग रहते थे और यहीं से ये कपिल वस्तु का इलाका है, दिस इज कपिल वस्तु का इलाका और यहीं पे गौतम बुद्ध जन्मे थे, दिस इज गौतम बुद्ध, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, हम लोग बुद्धिज्म के बारे में आगे बात करेंगे। अच्छा, कंस जब कंस का जब भी डायनेस्टी चल रहा था या कंस का कह लीजिए कि जब भी वो शासन अपना चला रहा था, तो उस समय एक ये कौशल जो है वो काफी ज्यादा कह लीजिए अपने सुप्रीम पोजीशन में था, काफी स्ट्रांग पोजीशन में था। और ये आगे जा करके इसमें एक राजा बदलते हैं और राजा जो दूसरे साहब आते हैं उनका नाम रहता है राजा प्रसेनजीत, दिस इज प्रसेनजीत, काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन प्रसेनजीत मतलब काफी ज्यादा कह लीजिए कि जो होता है वो चैरिटी कर रहा होता है, तो दान वान बहुत ज्यादा देता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये तक्षशिला से पढ़ा रहता है, ऑब्वियसली जब तक्षशिला से पढ़ा रहेगा तो ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी रहेगा और साथ ही साथ में काफी ज्यादा स्ट्रांग भी रहेगा। तो ये प्रसेनजीत जो है वो इस तरीके से स्ट्रांग बना रहता है। इस स्ट्रांगनेस के बाद ऑब्वियसली मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहां पर मगध है और ये मगध जो है वो अगेन एक दूसरी स्ट्रांग टेरिटरी है, तो मगध और कौशल के बीच में फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर है कौशल सपोज एंड दिस इज मान लेते हैं मगध, यह है मगध, इन दोनों के बीच में अगेन कंपटीशन स्टार्ट हो गया, दिस इज कंपटीशन ईयर। अब यहां पर मगध और कौशल के बीच में देखिए मैरिटल रिलेशंस भी थे, कैसे थे मैरिटल रिलेशन इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां का जो राजा है उसका नाम है प्रसेनजीत, अभी मैंने बताया आप लोगों को प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की जो बहन रहती है उस प्रसेनजीत की बहन का नाम रहता है महाकौशला, महाकौशला। इस महाकौशला के साथ में यहां मगध का राजा रहता है बिंबिसार, बिंबिसार इसकी शादी हुई रहती है, मतलब कि इन दोनों के बीच में मैरिटल रिलेशंस है महाकौशला और बिंबिसार के बीच में। बिंबिसार टोटल चार शादियां किया रहता है, एक शादी कौशल के साथ किया रहता है। सिमिलरली ये मगध अपने बगल में यहां पर जो वज्जी है इस यहां पर भी मैरिटल रिलेशंस बनाया रहता है और वो लिच्छवी जो लिच्छवी जन थी वहां की अगेन एक रानी रहती है, उसके बारे में बताऊंगा आगे, छलना रहती है, उससे भी शादी किया रहता है। और उस दूसरे वाली जो वाइफ रहती है जो छलना रहती है उससे इसका जो कह लीजिए सन रहता है उसका नाम रहता है अजात शत्रु, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अजात शत्रु रहता है। तो अजात शत्रु का ये स्टेप मदर आप बोल सकते हैं कि जो महाकौशला है वो स्टेप मदर है, सौतेली माँ है। अजात शत्रु भाई साहब जो रहते हैं ये प्रसेनजीत की जो डॉटर रहती है उसके साथ में ये अफेयर रहता है इनका, ये दोनों का लव अफेयर रहता है। तो इस लव अफेयर को मैंने लास्ट क्लास में बताया था विवाह शादियों के बारे में, एंड दिस इज गंधर्व है कि नहीं, गंधर्व है कि नहीं, और ये भी बैड टाइप ऑफ मैरिज में जाता था। तो अजात शत्रु और मतलब कि प्रसेनजीत को जब इस बारे में पता चलता है तो प्रसेनजीत क्या करता है कि इनके साथ में थोड़ी सी राइवलरी स्टार्ट हो जाती है, तो प्रसेनजीत को अच्छा नहीं लगा रहता है। और प्रसेनजीत जब शादी हुई रहती है, जब बिंबिसार के साथ में इसकी बहन की शादी हुई रहती है, तो इसने काशी को भी दिया रहता है बिंबिसार को, मतलब इसका जो ये काशी वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन काशी का है ये दे देता है मगध को, लो भाई हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट, जिसको हम लोग आज की डेट में डावरी बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि जो काशी दिया रहता है उस काशी को कहता है ना वापस लूंगा मैं, तो ये वापस ले लेता है।
वापस लेने के कारण से जो अजात शत्रु रहता है ये कहता है कि यार गलत आदमी हो, एक तो लव अफेयर चल रहा है हमारा और तुम हमारी टेरिटरी को ले लेते हो। तो ये क्या करता है अजात शत्रु, इस पर अटैक कर देता है। अटैक करता तो जरूर है लेकिन भाई साहब हार जाते हैं, अजात शत्रु हार जाता है। हारने के बावजूद भी वो क्या करता है, इसकी डॉटर को भगा करके लेकर के आता है और दोनों के दोनों शादी कर लेते हैं। और ये जब शादी कर लेते हैं तो अब फिर थक हार करके पिताजी के पास पहुंचेंगे ही, तो थक हार करके दोनों पहुंच जाते हैं प्रसेनजीत के पास। अल्टीमेटली प्रसेनजीत कहता है कोई बात नहीं, जो है सो है, अब तो शादी हो गई है। और अल्टीमेटली क्या करता है, दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है और वापस से जो काशी छीना रहता है वापस से दे देता है अजात शत्रु को। एंड दिस इज हाउ मगध एक्सपैंड वापस से कर जाती है, काशी तक के एरिया को एक्सपैंड कर जाती है। फिर उसके बाद से प्रसेनजीत क्या करता है, प्रसेनजीत चला जाता है, बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ा होने के बाद चला जाता है गौतम बुद्ध के कह लीजिए कि शरण में, कि वहां चलेंगे हम अपना बुद्धिज्म वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही ये राजा जाता है वैसे ही कौशल की कह लीजिए डायनेस्टी जो होती है वो एक वैकेंसी, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम के कारण से इनका जो सेनापति रहता है वो यहाँ पर एक कह लीजिए कि जो होता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है, जिसके कारण से जब ये प्रसेनजीत को वापस पता चलता है तो वापस ये रिटर्न आते हैं। रिटर्न आते हैं तो देखते हैं भाई हमारा जो राज्य है, हमारा जो स्टेट है वो किसी और के हाथ में जा रहा है। तो ये क्या करता है, पहुंच जाता है मदद मांगने के लिए, हेल्प के लिए मगध में अजात शत्रु के पास। अजात शत्रु उसका दामाद हो चुका है ना, सन इन लॉ हो चुका है, तो वो जाता है इससे, सोचता है कि चलो भाई हेल्प ले लेते हैं। लेकिन रास्ते में भाई साहब सर्दी खांसी बुखार हो जाता है और ये अपना निकल लेते हैं। और इस तरीके से मगध को पता जब चलता है कि भाई जो हमारे ससुर जी थे, हमारे जो फादर इन लॉ थे वो निकल लिए हैं, तो ये क्या करता है मगध पूरे के पूरे कौशल, मतलब कि कौशल प्लस काशी को अपने में मिला लेता है। दिस इज हाउ मगध का एक्सपेंशन हो जाता है। समझ में आया क्या चीज है? तो इस तरीके से एक आइडिया लग गया होगा, बेसिकली मगध, कौशल, काशी ये तीनों मिलकर के एक हो चुके हैं एंड दैट इज मगध, और इसलिए मगध का राइज देखने को लगातार मिलते रहना। तो यहां पर कौन कौन सी हो गई है, काशी हो गई है, कौशल हो गई है और साथ ही साथ में मगध तो है ही। क्लियर हो गया? चलिए इसके आगे अगर बात किया जाए तो यहां पर हम लोग जरा बात कर लेते हैं एक और अंग के बारे में। दिस इज अंग। हम लोगों ने दो टेरिटरी के बारे में बात कर लिया है, एक हम लोगों ने बात कर लिया है कौशल के बारे में और दूसरी हम लोगों ने बात कर लिया है काशी के बारे में। अच्छा, अंग को जरा ड्रॉप करते हैं, पहले एक काम करते हैं मगध को ही पूरा डिस्कस कर लेते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। मगध में क्या होता है कि हालांकि मगध को हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग आगे राइज ऑफ मगध के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफी कुछ यहां पर डिस्कस करने को है। लेकिन एक आइडिया दे देता हूं बेसिकली है क्या, यहां पर मगध में हर्यक डायनेस्टी चलती है, हर्यक डायनेस्टी। लेकिन ये हर्यक डायनेस्टी एक्चुअल में स्टार्ट नहीं होती, इससे पहले एक और डायनेस्टी रहती है जिसको वृहद्रथ डायनेस्टी बोलते हैं, वृहद्रथ डायनेस्टी। और ये जो वृहद्रथ डायनेस्टी है दिस इज एक्चुअली रिलेटेड विद व्हाट, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड विद द महाभारत के टाइम से रिलेटेड है ये। यहां पर जो राजा था उसका नाम था पहले वसु था, वसु के बाद वृहद्रथ बनते हैं, वृहद्रथ के बाद एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ महाभारत जरासंध बनता है, जरासंध। और ये वही जरासंध है जिसको कि अल्टीमेटली जो होता है मार दिया जाता है भीम जी के द्वारा, और भीम जी अगेन कृष्णा के कहने पर मार देते हैं। और इस तरीके से ये महाभारत का कैरेक्टर है, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ महाभारत। खैर इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। हर्यक डायनेस्टी के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट राजा हुआ करते थे, जैसे एक थे जो बिंबिसार थे। बिंबिसार के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया ही कि ये बिंबिसार जो है कौशल के जो राजा था प्रसेनजीत, उस प्रसेनजीत के साथ में इसने मैरिटल रिलेशंस बना के रखा था, इसकी बहन के साथ में इसने शादी की हुई थी जिसका नाम था महाकौशला देवी। उसके बाद से बिंबिसार ने और भी जैसे वज्र के साथ में शादी किया हुआ था, तो टोटल इसने चार शादियां की हुई थी। तो चार शादी करने पर इसका जो बेटा था, इसका जो सन था, उसका नाम था अजात शत्रु। ये अजात शत्रु ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि ये नेक्स्ट किंग बन जाता है। नेक्स्ट किंग बनने के बाद इसके अगेन मैरिटल रिलेशंस हो जाते हैं प्रसेनजीत की बेटी के साथ, मतलब कि इसके मामा के लड़की के साथ। तो मामा जी के लड़की के साथ में जब शादी हो जाती है तो अगेन इसका कौशल प्लस काशी एंड मगध ये मिलकर के एक हो जाता है। एक और चीज होती है, बिंबिसार जब अपने टाइम पे रहता है तो बिंबिसार पहले सबसे पहले अटैक कर देता है अंग को, और ये इस अंग को मिला लेता है अपने में। तो यानी कि मगध और बड़ा हो चुका है
मगध ऑलरेडी पहले अंग को अपने में मिला चुका है, देन कौशल, काशी एंड मगध, इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक तरीके से कह सकते हैं जो ईस्टर्न टेरिटरी है वो अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मगध के बारे में भी आइडिया लग गया, हालांकि हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में और डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास ही हमारा होने वाला है राइज ऑफ मगध के बारे में। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हमारी नेक्स्ट टेरिटरी आ जाती है अंग के बारे में। अंग एक छूटा हुआ है, इसको देख लेते हैं। अंग, इसकी कैपिटल कौन सी है? इसकी कैपिटल है चंपा, दिस इज चंपा, और ये थी असम के पास में, असम, और ये बेसिकली रिवर के नाम पे पड़ा हुआ था। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से काफी ज्यादा उस समय इंपॉर्टेंट थी, तो आर्ट एंड कल्चर, यहाँ पे स्कल्पचर्स बहुत ज्यादा ही बने होते थे। इसके अगर आज के डेट में अगर बात करें तो भागलपुर और मुंगेर का जो इलाका है, जो वेस्ट बंगाल से एक तरीके से कह लीजिए कि मतलब सटा हुआ है, तो वहां पर ये अंग का इलाका हुआ करता था। इस आर्ट एंड कल्चर में काफी अच्छे स्कल्पचर हुआ करते थे, इनका नाम था महागोविंद, इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। महागोविंद उस समय के एक फेमस स्कल्पचर हुआ करते थे जो कि आर्ट एंड कल्चर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, ये जो बिंबिसार के समय ही इस अंग पे अटैक हो जाता है और अटैक करके अल्टीमेटली इसको अपने अंदर में मिला लेता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने किस किस के बारे में बात कर लिया, हम लोगों ने बात कर लिया काशी के बारे में, फिर कौशल के बारे, काशी, कौशल, मगध और अंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और इस तरीके से पूरी टेरिटरी अपने अंदर में मिल गई है क्योंकि यहां पर एक और होती थी वज्जी, वज्जी टेरिटरी है और वज्जी के साथ अगेन मैरिटल रिलेशन बन चुका है, तो ये पूरा इलाका किसका हो गया है? मगध का हो गया है। तो अब जरा नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं वज्जी के बारे में ही फटाफट। तो वज्जी के बारे में अगर डिस्कस करें अगर, तो दिस इज वज्जी। वज्जी में अगेन जो है टोटल 8 जन्स थे, ये बेसिकली 8 जो है वो जन हुआ करते थे जो कि मिलकर के एक महाजनपद बनाए थे, इस महाजनपद का नाम था वज्जी। इसकी राजधानी जो थी वो वैशाली थी, दिस इज वैशाली इसकी राजधानी। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अगर इसके जन के बारे में बात किया जाए तो इसमें एक था जिसे विदेह नाम था, विदेह, दूसरा लिच्छवी, लिच्छवी एक्सप्रेस एक ट्रेन भी जाती है लिच्छवी, ये दो इंपॉर्टेंट जो है कह लीजिए कि जन हुआ करते थे उस टाइम के। विदेह इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पर राजा थे राजा जनक, ये वही राजा जनक है जिनकी पुत्री, जिनकी डॉटर सीता जी थी, तो सीता जी, हालांकि ये जो टेरिटरी विदेह पड़ती है आज की डेट में नेपाल में पड़ती है, नेपाल, मिथिलेश, मिथिला भी बोलते हैं इसको, तो ये जो है बेसिकली मधेशी इलाका है विदेह का इलाका। राजा जनक के बाद यहाँ के जो राजा बनते हैं उसका नाम रहता है कलार, दिस इज कलार। ये कलार जो रहता है बहुत ज्यादा ही इररेस्पॉन्सिबल टाइप का, इररेस्पॉन्सिबल टाइप का राजा रहता है, और ये क्या करता है, एक मतलब कह लीजिए कि लड़की रहती है और उसका ये कह लीजिए कि डिसरेस्पेक्ट कर देता है, डिसरेस्पेक्ट, लेकिन वो लड़की लड़की नहीं रहती है, वो एक्चुअल में ब्राह्मण लड़की रहती है, और वो जो ब्राह्मण लड़की रहती है, ब्राह्मण जो गर्ल रहती है, वो बेसिकली इनको शाप दे देती है, लो बेटा तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान खत्म हो जाएगा, तुमने मेरी बेइज्जती की है, पूरा खानदान तुम्हारा खत्म हो जाएगा, और खानदान खत्म तो खत्म, आज की डेट में एक नए टाइप के, विचित्र टाइप के प्राणी निकल के आए हैं जिनका नाम है दीपक कलाल। दीपक कलाल के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, काफी ज्यादा मेम्स वगैरह बनते रहते हैं, तो एक्चुअली दे आर नॉट रिलेटेड, दिस इज जस्ट अ वे टू मेमोराइज, ये केवल इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको बता दिया कि किस तरीके से इनका जो शाप था बड़ा खतरनाक हो गया। चलिए खैर, तो अल्टीमेटली इसकी पूरी की पूरी डायनेस्टी खत्म हो जाती है, विदेह का पूरा जो भी सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। लेकिन यहां पर फिर जो लिच्छवी डायनेस्टी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिच्छवी डायनेस्टी काफी इंपॉर्टेंट निकल करके आ जाती है, और यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा लिच्छवी के साथ में क्या निकल करके आया है। वन सेकेंड, लेट मी इरेज ऑल दिस। अब लिच्छवी के बारे में अगर फटाफट देखा जाए तो लिच्छवी में देखिए काफी इंपॉर्टेंट एक राजा रहते हैं जिसका नाम रहता है चेटक। यहाँ का जो राजा रहता है उसका नाम रहता है चेटक। अब जरा चेटक के बारे में देखिएगा, चेटक का मैं घर बनाता हूं आप लोगों के लिए। चेटक, चेटक है राजा, इसकी जो कह लीजिए कि सिस्टर है, जो इसकी बहन है, उसका नाम है त्रिशला, दिस इज त्रिशला, और ये त्रिशला वही है जिनके जिनकी शादी हो जाती है और अल्टीमेटली जो है इसके जो इनके जो बेटे होते हैं, जो सन होते हैं, और वो बन जाते हैं महावीर स्वामी, महावीर स्वामी एंड 24th तीर्थंकर ऑफ जैन धर्म। ठीक है, इसकी जो
चेटक की जो लड़की रहती है, जो डॉटर रहती है, उसका नाम रहता है चेलना, जैसे CHELNA। चेलना की शादी हो जाती है बिंबिसार के साथ, बिंबिसार के साथ, और इनका एक सन होता है और उस सन का नाम रहता है अजात शत्रु। तो इस तरीके से चेलना कहां पहुंच गई है, मगध में पहुंच गई, और मगध का ही जो कह लीजिए कि एम्परर है वो निकल के आता है अजात शत्रु। एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली आप लोगों को किसकी माँ कौन सी क्या चीज हो रही है। तो इस तरीके से सीन होता है। अजात शत्रु क्या होता है, इस पर बुद्धिज्म का एक इंपैक्ट पड़ जाता है। हालांकि ये पहले जो होता है एक आजीविका सेक्ट होता है उसको फॉलो कर रहा होता है, लेकिन बाद में बुद्धिज्म के काफी ज्यादा करीब हो जाता है, और बुद्धिज्म के करीब होने के कारण से ये बुद्धिस्ट काउंसिल यहां पर ये स्टार्ट करवाता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसने करवा के रखा हुआ है। तो दिस इज हाउ वज्जी के बारे में आप लोगों ने देख लिया। तो हम लोगों ने कौशल, काशी, वज्जी, अंग एंड मगध के बारे में डिस्कस कर लिया, जो कि अल्टीमेटली मिलकर के एक हो चुके थे ये। अब हम लोग जरा इसके टेरिटरी, नेबरिंग टेरिटरीज के बारे में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर आता है मल्ल, दिस इज मल्ल। मल्ल के बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं है, यहां पर देख लीजिए इसकी कैपिटल जो थी वो थी पावा एंड कुशीनगर, कुशी नारा जिसको बोलते हैं। दोनों के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया, पावा इज आज की डेट का पलरौना और कुशीनारा का मतलब हो गया आज की डेट का कुशीनगर। दोनों के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया, कुशीनगर महापरिनिर्वाण स्थली बनी हुई है गौतम बुद्ध की, और पावा पलरौना बना हुआ है महावीर स्वामी का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी के जस्ट बगल में थे छेदी, जैसे छेदी, इसके बारे में फटाफट देख लेते हैं। तो यहां पर जो है वो है छेदी, जैसे छेदी, ठीक है। इसकी जो राजधानी है वो है, क्या राजधानी है, शक्तिमती, दिस इज शक्तिमती, या इसी को बोलते थे सोथीवती, दोनों में दोनों ही राजधानी है इसकी। और ये आज की डेट का एक्चुअली हम लोग आगे जाकर के छेदीज ऑफ मालवा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली मालवा के थे, और आज की डेट के आप बोल सकते हैं कि दिस इज बुंदेलखंड के इलाके के लोग है, ये बुंदेलखंड है बेसिकली, या फिर बोल सकते हैं दिस इज मालवा रीजियन। छेदीज के बारे में हम लोग हालांकि आगे भी जाकर के बात करेंगे, इसमें देखेंगे क्या कुछ है। यहां पर जो राजा था उसका नाम था, सबसे पहले जो राजा था उसका नाम था शिशुपाल छेदी, दिस इज शिशुपाल छेदी। ये शिशुपाल वही है जो कृष्ण की बुआ का लड़का है, तो कृष्ण जी हो गए, कृष्ण कृष्णा, ठीक है, कृष्ण जी हो गए, कृष्ण जी के जो भी कह लीजिए कि ये इनके पिताजी हो गए, इनकी मदर हो गई, और इनकी जो बहन थी, इनकी जो सिस्टर थी, उसका जो लड़का था वो बेसिकली था ये शिशुपाल, और इनका जो ब्रदर था वो था कंस, और कंस को भी कृष्ण ने ही मारा था, और इनके भी जो सिस्टर थे, सिस्टर का जो लड़का था उसको भी इन्होंने कृष्ण ने ही मारा था। लेकिन इसके अगेन वही 100 गलतियां माफ, वही वाला फंडा है ना, तो वही 100 गलतियां माफ, अल्टीमेटली फिर अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं और फिर शिशुपाल जी का वध कर दिया जाता है, और ये सारा का सारा महाभारत में लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये सारा जितनी भी चीज है हम लोग हमारे एपिक, हमारे महाभारत के बारे में है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रामायण एंड महाभारत, रामायण वर्सेस महाभारत, ठीक है। दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको देखते हैं किसको किसको पता है, यू कैन कमेंट योर आंसर, ठीक है। लाइव लेक्चर चल रही है तो आप जो होती है कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रामायण एंड महाभारत। क्लास वाले लोग मत करिएगा, क्लास वाले लोगों को पता होगा, मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में बताया हुआ है। चलिए खैर, तो ये हो गई छेदी के बारे में आप लोगों को पता चल गया। छेदी के बाद यहीं पर आती है एक और वत्स, दिस इज वत्स। वत्स आज की डेट का इलाहाबाद का इलाका है, दिस इज इलाहाबाद। तो फटाफट देख लेते हैं वत्स के बारे में, दिस इज हियर, यहां पर आ जाती है वत्स। वत्स के बारे में अगर बात करेंगे तो दिस इज आज की डेट का इलाहाबाद का इलाका, और इसी की राजधानी क्या है, कौशाम्बी, दिस इज कौशाम्बी, ठीक है। कौशाम्बी के समय अगर बात किया जाए, इस वत्स के पास अगर इसके नेबर्स देखें तो इसका नेबर है अवंती, दिस इज अवंती, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, उज्जैन या उज्जैनी, और दूसरा जो इसका नेबर है उस वो है छेदी, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से अगेन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है इस वजह से। तो यहां पर ये हो गए हमारे वत्स साहब, एक साइड में हमारे छेदी जी लोग हैं, और दूसरे साइड में जो जनपद है उसका नाम है अवंती, दिस इज अवंती। देखिए यहां पर ये भाई साहब बड़े खतरनाक टाइप के वत्स वाले लोग हैं, क्योंकि ये क्या है कि यहाँ का जो राजा रहता है उसका नाम रहता है राजा उदयन, दिस इज राजा उदयन, और ये खतरनाक लव स्टोरी यहां पर होने वाली है, तो आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी आएगी। देखिए
यहां अवंती का जो राजा रहता है इसका नाम रहता है राजा प्रद्योत, दिस इज प्रद्योत। इनफैक्ट प्रद्योत ने मगध के साथ में बड़ा अच्छा रिलेशन बनाया हुआ था और बिंबिसार के साथ काफी अच्छा रिलेशन था। कैसे बना था? कुछ नहीं हुआ था, प्रद्योत की बहुत हालत खराब हो गई थी, उसको भी उस समय वाला कुछ कोरोना हो गया होगा। तो यहां पर बिंबिसार जो बैठे हुए थे, बिंबिसार देखे कहे मौके पर चौका मार देते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, एक अपने जो चिकित्सक थे, अपने जो डॉक्टर थे, उस डॉक्टर को भेजा था। और यह डॉक्टर कहां से पढ़ के आया था, ये भी अगेन MIT वाला ही था। MIT मतलब उस समय का तक्षशिला, तक्षशिला से पढ़ के आया था। इसका नाम था जीवक, दिस इज जीवक, डॉक्टर जीवक। डॉक्टर जीवक पहुंच जाते हैं अवंती यहां पर प्रद्योत के पास और प्रद्योत को सही कर देते हैं। प्रद्योत सही होता है तो फिर लाख दुआएं तो दिया ही दिया। उसके बाद से इसका बिंबिसार के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन हो जाता है। दिस इज हाउ मगध और अवंती के बीच में रिलेशन बनी होती है। बात करेंगे हम लोग जब अभी राइज ऑफ मगध के बारे में बात करेंगे। फिलहाल देखिए वत्स का जो है अवंती और छेदी के साथ में कंपटीशन चल रहा होता है। तो वत्स का जो राजा उसका नाम है राजा उदयन और अवंती का राजा है कौन, प्रद्योत। छेदी, छेदी का जो राजा है, अभी हम लोगों ने बात कर लिया कि छेदी तो खैर छोटा मोटा टेरिटरी है, लेकिन इस टेरिटरी से बड़ी टेरिटरी है मगध, मगध। और मगध की जो राजा है वो है अजात शत्रु, अजात शत्रु। हालांकि अजात शत्रु मतलब अजात शत्रु का जो फादर है बिंबिसार, उनके साथ में प्रद्योत के तो बड़े अच्छे रिलेशन थे, बट अजात शत्रु के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं थे। तो खैर हम लोग वत्स के बारे में अगर देखें तो वत्स का अवंती के साथ में वॉर होता है, इन दोनों के बीच में वॉर होता है। बताइए कौन जीतेगा, क्या लगता है, प्रद्योत जीतेगा या फिर उदयन जीतेगा? यहां पर देखिए जीत जाता है उदयन, यहां पर उदयन जो है वो जीत जाता है, उदयन जीत जाता है। तो इसके बाद से अल्टीमेटली क्या होती है, यहाँ की इस प्रद्योत की जो है एक डॉटर रहती है और इसी को लेकर के पूरी की पूरी झगड़ा हो रहा होता है। यहां पर डॉटर रहती है, इसका नाम रहता है वासदत्ता, वासदत्ता। इसमें इनफैक्ट वॉर क्यों हुआ था, वॉर इसीलिए हुआ था क्योंकि ये जो वत्स के राजा उदयन थे, ये अवंती के जो प्रद्योत है इसकी जो डॉटर थे उसके साथ में ये लव अफेयर में आ गए थे और लव अफेयर जो होती है वो पसंद नहीं आया था हम इन राजा प्रद्योत को। अल्टीमेटली दोनों के बीच में वॉर हो जाती है। वॉर होने के बाद क्या होता है कि वॉर तो ये जीत जाते हैं, वासदत्ता को भी पकड़ के लेकर के जाते हैं और फिर अल्टीमेटली दोनों के बीच में दोनों की शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है। ये भाई साहब दोनों उदयन और वासदत्ता इतना खतरनाक लव अफेयर में रहते हैं कि इसको लेकर के एक भाष लिखी गई है, भाष, एंड दैट इज एक नाटक है, मतलब कि ये कह लीजिए कि ड्रामा है। एंड द ड्रामा बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे तो स्कूल में था। इसका नाम था स्वप्न, स्वप्न वासदत्ता, स्वप्न वासदत्ता। यहां पर जो है एक नाटक लिखी गई थी, एक ड्रामा लिखा गया था भास के द्वारा। अब यहां पर थोड़ी सी स्वप्न वासदत्ता के बारे में आप लोग सुन लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। यहां पर होता क्या है कि जो वत्स है यहीं पर पांचाल है, दिस इज पांचाल। पांचाल का जो राजा रहता है उसका नाम रहता है आरुणी। आरुणी के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आरुणी क्या करता है, ये अटैक करने वाला रहता है इस वत्स पे। अब होता क्या है कि यहाँ का जो राजा है कौन, उदयन। उदयन भाई साहब लव अफेयर में पड़े हुए हैं वासदत्ता के, दोनों चिपक के एकदम घूम रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, टहल रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, इनको मतलब ही नहीं कि कौन अटैक कर रहा है। तो जो राजा उदयन रहता है, इसका जो सेनापति रहता है, तो वो देखता है कि भाई उदयन तो यार एकदम ख्याली पुलाव बना रहे हैं, एकदम ख्यालों में घूमे हुए हैं। तो ये क्या करता है, वासदत्ता के पास जाता है और उसको फिर बताता है कि देखो ऐसी ऐसी कंडीशन है और अटैक में हैपन फ्रॉम द जो ये पांचाल है। और इस वजह से वासदत्ता को थोड़ा सा यहाँ पर दिखाते, जो सेनापति रहता है वो ये भी बोलता है कि आप अपने राजा को चक्रवर्ती नहीं देखना चाहती हैं, ऑल दैट। इस तरीके से थोड़ी सी एस्पिरेशंस दे दिया जाता है वासदत्ता को। तो वासदत्ता कहती है भाई क्या करें हम, तुम ही बताओ। तो सेनापति जो रहता है वो बड़ा प्लानिंग किया रहता है, वो प्लानिंग से ये बताता है कि देखो ऐसा है, आप साथ में चलिए और एक जगह पे हम लोग आपके मर्डर की एक स्टोरी बना देंगे। मर्डर मतलब मैं मर्डर नहीं करूंगा, इट विल बी एन एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट का मतलब आग लग जाएगी, उसमें आप भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, और इस तरीके से हम लोग स्टोरी बना लेंगे। और इस स्टोरी के बाद अल्टीमेटली होगा क्या कि ये जो वत्स का राजा उदयन है, अल्टीमेटली ये इसकी दूसरी शादी हो जाएगी पद्मावती के साथ में, और फिर अल्टीमेटली जो होता है ये मिल करके मगध के राजा जो अजातशत्रु है उसके साथ, उसका बेटी रहती है पद्मावती, उसके साथ में शादी हो जाएगी। और शादी होने के बाद फिर अल्टीमेटली जो है
ये स्ट्रांगली जो है जो ये अवंत यहां पर जो पांचाल है इसके अटैक को रोक सकते हैं। तो फिर अब यहां पर सीन यही होता है, दोनों के बीच में ये पूरा का प्लानिंग कर लेते हैं। अल्टीमेटली वाजता ज्योति आग में जल जाती है प्लानिंग के हिसाब से, हालांकि दोनों भाग जाते हैं। भागने के बाद अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं मगध में ही पहुंच जाते हैं। मगध में फिर यहाँ पर पद्मावती रहती है, अजातशत्रु की बेटी। और फिर अल्टीमेटली जो होता है इसके मन में भी ये लोग अजात इस उदयन के लिए जो होता है फीलिंग्स जागृत कर रहे होते हैं। और फिर अल्टीमेटली होता क्या है कि उदयन और पद्मावती के बीच में जो होती है शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अल्टीमेटली क्या होता है कि ये दोनों मिलकर के इकट्ठे वॉर कर लेते हैं पांचाल के साथ। एंड दिस इज हाउ यहाँ पर उदयन की दो शादियां हो जाती हैं। बाद में हालांकि उदयन को सब कुछ बता दिया जाता है कि देखो ऐसा है, वाजदत्ता जो है मरी नहीं है, जिंदा है, और आपको इन पूरे के पूरे मैटर को बताने के लिए आपको ये पूरा का पूरा प्लानिंग हम लोगों ने किया था। तो अल्टीमेटली सारी चीजें सामने आ जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा स्वप्न वाजदत्ता में लिखा हुआ है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे मगध के साथ में ये भी मैरिटल एक अफेयर में आ गया। और फिर जो होती है अवंती के साथ में भी इन्होंने मैरिटल रिलेशंस बना लिया, दोनों के साथ में इनकी राजियों दोनों की राजकुमारियों के साथ, दोनों के प्रिंसेस के साथ में इन्होंने शादी करके इस तरीके से सिस्टम बना लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वत्स है वो अगेन अवंती और मगध के फिर साथ में हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम मगध में जा चुका है। तो मगध का इलाका लगातार एक्सपैंड हो रहा है, चाहे वो सीधे चाहे टेढ़े, लेकिन मगध एक्सपैंड तो हो रहा है। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने पूरा सिस्टम छेदी के बारे में भी देख लिया और वत्स के बारे में भी देख लिया। आगे अगर बढ़ा जाते हैं, एक छोटा सा टेरिटरी आती है अश्मक जो है वो साउथ इंडिया का था। यहाँ पर ये अश्मक है, अश्मक के बारे में फटाफट देख लेते हैं। अश्मक जो है वो साउथ में होता था, दिस इज अश्मक। यहाँ इसकी राजधानी जो है उसके बारे में हम लोगों ने बात ही कर लिया था, दिस इज पोटली इसकी राजधानी। और ये जो है गोदावरी रिवर के पास में थी। हालांकि इसका एसएच कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यहाँ पर ध्यान में रखने वाली एक बात ये है कि ये यहाँ पर इक्ष्वाकु डायनेस्टी के लोग थे। और इस इक्ष्वाकु डायनेस्टी के बाद अल्टीमेटली सातवाहन डायनेस्टी आ गई थी। सातवाहन के बाद यहां पर फिर चालुक्य आ गए थे। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे जब हम लोग आगे सक्सेसिवली बात करेंगे। सातवाहन, गौतमी पुत्र, शतकर्णी वगैरह के बारे में बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट सातवाहन जो डायनेस्टी इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, काफी डिटेल्ड और काफी बातें यहां पर मैं बताऊंगा क्या चीजें। इनफैक्ट इस पे मूवी बनी हुई है, साउथ इंडिया की मूवी है। इनफैक्ट बताऊंगा उस समय क्या चीज है एंड आई विल रिकमेंड यू द मूवी टू वॉच, देखेंगे क्या मूवी है। तो ये हो गई अश्मक के बारे में, देख लेंगे। अल्टीमेटली होता क्या है कि ये जो अश्मक है वो अवंती में जा करके मिल जाता है। तो ये दोनों भी अगेन मिल जाते हैं और मिल करके अल्टीमेटली पहुंचे किसके पास, फिर पहुंच गए ये मगध के पास। तो इस तरीके से मगध की टेरिटरी कौशल, कुरु, वत्स सब कुछ मल हो गई। फिर उसके बाद से यहाँ पर जो अंग है, फिर उसके बाद से वज्जी हो गई और सब कुछ ही टेरिटरी, सारी टेरिटरीज जो है वो चली जाती हैं मगध के ही पास में। इस मगध के बाद अल्टीमेटली फिर अवंती के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अवंती के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि राजा प्रद्योत था, यहाँ पर बड़ा ही खतरनाक टाइप का राजा था। और इसने अपना जो रिलेशन था वो सूरसेन से बना के रखा था, दिस इज सूरसेन, इसकी वाइफ सूरसेन से थी। और इस तरीके से मथुरा के साथ में रिलेशन बना के रखा था। तो अगेन देखिए मगध का जो है एक्सपेंशन फिर से हो गया। तो यहाँ पर होता क्या है कि सूरसेन के साथ में इसने मतलब बना करके रखा हुआ था, इस तरह से सिस्टम था। इसके ऊपर में कुरु आता है, दिस इज कुरु। कुरु जो है वो इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, दिल्ली और मेरठ का इलाका था और ये भी जो होता है एक इंपॉर्टेंट इलाका था। इसके बाद से फिर लास्टली पांचाल आ जाती है। पांचाल के बारे में भी देख लेते हैं कि इसकी राजधानी अहिच्छन्न थी और साथ ही साथ में कांपिल्य थी, बताया था मैंने। और द्रौपदी यहाँ की थी, मतलब द्रौपदी इन द सेंस कि ये महाभारत के टाइम से काफी इंपॉर्टेंट ये टेरिटरी थी। लास्टली देख लेते हैं मत्स्य जो इलाका था वो जयपुर का इलाका था। नॉट एज सच इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है मत्स्य को लेकर के एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब जो पांडव थे उनको 13 साल का वनवास हुआ था और एक साल का अज्ञातवास हुआ था। तो अज्ञातवास के बारे में तो नहीं बता सकते कि कहां पर ये लोग गए थे, बट ये जो थे 13 इयर्स ये लोग जो गुजारे थे वो इसी मत्स्य में गुजारे थे एंड दैट इज व्हाई इट हैज इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो महाभारत काल के महाभारत टाइम की भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लास्टली बात कर लेते हैं सूरसेन के बारे में। सूरसेन जो होती है मथुरा इसकी राजधानी थी और यहाँ पर ये यदुवंश बोला जाता है यहाँ पर, क्योंकि अगेन वही यहाँ पर जैसे गोवंश काल चल रहा था, जैसे काऊ वगैरह से रिलेटेड, और यहाँ पर मेनली यादव्स थे। इनफैक्ट यादव्स की बाद में यहाँ पर जो होती है वो निकल करके भी आ जाते हैं डायनेस्टी के रूप में।
और अल्टीमेटली जो होती है बाद में कुछ और भी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज, जैसे एक हो गई कंबोज और दूसरी हो गई हमारी यहाँ पर तक्षशिला मतलब की गांधार। तो इन दोनों के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने समझ लिए हैं, सारी चीजें देख ली हम लोगों ने। तो ये बेसिकली आज के पूरे डिस्कशन काफी डिटेल में महाजनपद काल के बारे में हम लोगों ने बात किया। अगर आपको कोई डाउट होता है तो ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दीज चैनल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राइज ऑफ मगध के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।